पीएम मोदी आज जनऔषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से करेंगे बात। देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का है लक्ष्य। हर मतगणना स्थल पर दो दो अधिवक्ता तैनात करेगी सपा। जिला महानगर अध्यक्ष से मांगी सूची। चंदौली में सपा प्रत्याशी और समर्थकों पर मारपीट का आरोप। मुकदमा लिखवाने थाने पहुंचे भाजपा विधायक। नकाब और मेहंदी वाले हाथों ने भी संभाली मतदान की जिम्मेदारी। आज वोटरों की बारी। बिहार में भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए तय किए प्रत्याशियों के नाम। 3 सीटों पर नए चेहरे की उम्मीद। देखना कोई चपरासी या बाबू बॉक्स के पास न भटकने पाए। पोस्टल बैलेट को लेकर रामगोपाल ने वर्कर्स को दी हिदायत। भाजपा उपाध्यक्ष को थाना प्रभारी ने दी कैबिनेट मंत्री बनने की अग्रिम बधाई। जांच के आदेश। यूपी में 54 सीटों पर वोटिंग। आजमगढ़ में सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़। एसपी सिंह बघेल बोले, करहल चुनाव आसान था तो मुलायम समेत पूरा परिवार क्यों डेरा डाले रहा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार। नजर हर खबर पर।